ट्रीटमेंट ऑफ बोलेमा नर्वोसा, सी सो नाउ वी विल सी कि हम नर्वोसा की जो ट्रीटमेंट है वो कागनेटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू कैसे करते हैं वी ऑल नो कि जब हम काग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं किस चीज़ की uh, अपने जो नेगेटिव uh, थाट्स हैं उनको चैलेंज करने की सो हेयर वी विल गो कि हम जो बोलेमा नर्वोसा है उसके क्लाइंट को किस तरह उसका थॉट जो है वो हम चैलेंज करेंगे इसमें आप देखें कि अगर एक क्लाइंट है उसको ये थॉट आ रहा है टू बी हैप्पी आई नीड टू वे पाउंड्स ठीक है यानी अगर मुझे खुश होना है तो मुझे अपना वज़न करना चाहिए ठीक अब जब इस किस्म का थॉट पैटर्न होगा जिसके अंदर यू आर ऑलवेज एवेलुएट योर सेल्फ इन रेफरेंस टू योर वेट तो डेफिनेटली ये आपके अंदर एन्जाइटी इंड्यूस करेगा ठीक है जब ये एन्जाइटी इंड्यूस करेगा तो हमने क्लाइंट से ये पूछना है कि आपको इसके लिए एविडेंस फॉर देना है क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ये बात की कि जिस वक्त थॉट आता है क्लाइंट के जहन के अंदर तो हमने उसको ऑल्टर करना होता है अनहैप्पी अनहैप्पी थॉट को हैप्पी थॉट के साथ या अनहेल्पफुल थॉट को हेल्पफुल uh, थॉट के साथ तो हमने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी यूज़ की जिसमें हम उससे एविडेंस फॉर मांग रहे हैं इफ़ द पर्सन इज सेट कि आई विल नॉट बी हैप्पी इफ़ आई हैड गेन वेट्स ठीक है क्यों ये एविडेंस फॉर वो क्यों लेकर आया बिकॉज दैट द वे द क्लाइंट इज थिंकिंग ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट का थिंकिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है अब एविडेंस अगेंस्ट हम उसके लिए जो उसकी हेल्प करेंगे या क्लाइंट खुद अपने आप को दे सकता है वो क्या होगा कि माइक्रो मैनेजिंग माई वेट विल स्पॉयल माई मूड यानी अगर स्पॉयल माई मूड ठीक है तो बेसिकली क्या चीज़ है कि बेसिकली अगर मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखूंगी जैसे मैंने अभी खाना खाया और मैंने फ़ॉरन वेट कर लिया तो ये माइक्रो मैनेजिंग है माइक्रो मैनेजिंग जब मैं करूंगी तो क्या होगा मेरी एन्जाइटी हाई हो जाएगी तो ये चीज़ क्या है एविडेंस अगेंस्ट है बिकॉज वी नो कि वी ऑल वॉन्ट टू बी लिव हैप्पीली ठीक है तो जो उसका एन्जाइटी या एंशियस थाट है जब उसके लिए वो एविडेंस अगेंस्ट लेकर आएगी तो डेफिनेटली जो उसका मूड है वो बेटर होगा और जो ऑल्टरनेटिव उसका थाट बनेगा यानी जो हेल्पफुल थाट बनेगा वो क्या होगा कि माय वेट इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ माय हेल्थ इट्स हेल्दी फॉर वेट टू चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ठीक है यानी जो ऑल्टरनेटिव थाट है वो एक ऐसा थाट प्रोसेस होगा उसका जिसको हम फोकस चेंज होकर उसकी हेल्थ के ऊपर आ जाएगा जिसकी हेल्प से उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फोकस टू वर्ड्स द फिजीक टू वर्ड्स द वेट टू वर्ड्स द शेप जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इसी तरह हम दूसरा थाट देखते हैं कि आई एम गोइंग टू फिनिश द बॉक्स ऑफ कुकीज़ एंड स्टार्ट माई डाइट टूमोरो ठीक है अब इसके लिए एविडेंस फॉर क्या है कि ईटिंग कुकीज विल नॉट ऐड मच टू माय वेट जिस तरह हम बात करते हैं कि जो बिन्ज ईटर होता है जब वो एक वक्त बैठ के खाता है तो वो बस फिर खाता ही चला जाता है वो बग़ैर सोचे समझे कि ये मुझे वेट दे रहा है या नहीं दे रहा द पर्सन इज़ जस्ट कीप ईटिंग तो इससे क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि उसकी जो न्यूट्रिशन की सेंस है वो उसको यूज़ नहीं कर रहा तो एविडेंस फॉर्म में वो क्या कह रहा है कि इफ़ आई लाइक टू ईट कुकीज़ तो ये जो कुकीज़ हैं ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वेट डेवलप नहीं कर रहा और एविडेंस अगेंस्ट जब हम उससे कहेंगे बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द हैबिट और थॉट पैटर्न फॉर टेकिंग मोर कुकीज़ एट वन टाइम तो उसके लिए हम एविडेंस अगेंस्ट क्या यूज़ करेंगे कि कुकीज़ आर स्वीट एंड दे हैव हाई कैलोरीज ठीक है अब वो खुद से ही एविडेंस दे सकती है या आप उसको हेल्प कर सकते हो ये एविडेंस देने में अब दे सकती है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रेशो ज़्यादातर फीमेल में है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सो इवन इफ द बॉय इज़ तो आप उसको भी ये एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं देन द ऑल्टरनेटिव थाट क्या आएगा कि आई कैन ईट द कुकी इन स्मॉल प्रोपोर्शन और इट इज़ रिकमेंडेड इन द डाइट प्लान तो जो उसका ऑल्टरनेटिव थाट है या जो उसका हेल्दी थाट है वो क्या है कि उसने बेसिकली इतने ज़्यादा पोर्शन में जो कुकी है उसको यूज़ नहीं करना रादर इन इना स्मॉल पोर्शन जो है वो ओके okay है वो वो यूज़ कर सकती है ठीक है तो इस तरह जो उसके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनके लिए एविडेंस फॉर और एविडेंस अगेंस्ट के थ्रू एक अल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो हम डेवलप कर लेते हैं इसी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि जो आपका अल्टरनेटिव थॉट पैटर्न डेवलप होता है आप उसे एज अ कोपिंग स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और जब क्लाइंट जब भी कभी उसे इस तरह के डिस्टर्बिंग थाट्स आते हैं तो वो इन्हीं ऑल्टरनेटिव थाट्स को एज अ कोपिंग स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकता है थैंक यू